भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने ऊपर हुए हमलों को लेकर आक्रोशित हैं व इसी बहाने एक बड़ा सियासी खेल रचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 21 जुलाई की तारीख तय की गई है। इस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई है। चंद्रशेखर का साफ कहना है कि मुझ पर गोली चलाने वालों को 21 जुलाई को जवाब मिलेगा। चंद्रशेखर के समर्थकों का मानना है कि पुलिस ने गोलीकांड का फर्जी खुलासा किया, असली गुनाहगारों को बचाया जा रहा है, मुख्य साजिशकर्ता कोई और है, मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी और चंद्रशेखर को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग भी उठाई है। कहा जा रहा है कि मायावती को चुनौती देने के लिए और अपने ऊपर हुए हमलों को जवाब देने के लिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। चंद्रशेखर का कहना है कि इस प्रदर्शन में उनके साथ देश के तमाम नेता शामिल होंगे। चंद्रशेखर MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पदयात्रा निकालने वाले हैं। तीनों राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी यहां भी चुनाव लड़ेगी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हुए हमले की CBI जांच और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा ना होने पर 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। विनय रतन ने कहा कि 28 जून को देवबंद में एक ही जाति के 4 युवकों ने चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला किया था। उनकी कार पर गोलियां चलाई थी। एक गोली चंद्रशेखर को पेट से छूकर निकल गई थी। चंद्रशेखर पर हमला एक साजिश के तहत किया गया। चंद्रशेखर पर पहले भी सोशल मीडिया पर कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है।